हाँ जी आ जाओ बच्चे सारे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? मास्टर कार्ड, ये एक कंपनी है जिसने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, डिजिटल करेंसी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मास्टर कार्ड शुरू किया है। मास्टर कार्ड कंपनी है जिसने क्या डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हैरिस तूफान ने किन देशों को प्रभावित किया है? जापान तथा दक्षिण कोरिया। जापान तथा दक्षिण कोरिया। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। कौन सी नदी के तट पर है टोक्यो? सुमिदा। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो कौन सी नदी के तट पर है? सुमिदा। जापान की जो राजधानी है टोक्यो, टोक्यो कौन सी नदी के तट पर है? सुमिदा नदी के तट पर है। सुमिदा जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो सुमिदा नदी पर है। सुमिदा नदी के तट पर बसा हुआ है टोक्यो। टोक्यो जो है, टोक्यो का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। टोक्यो में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बिल्डिंग बहुमंजिला इमारतों का शहर है टोक्यो। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है टोक्यो में। और एक और बात मैं बता दूं, अगर जापान के ही बारे में पूछे तो ये द्वीपों पर बसा देश है जिसमें बहुत सारे द्वीप हैं। इसके प्रमुख द्वीप हैं होन्सु, होकुडू, क्यूसुकू और सिकाकू। चार प्रमुख द्वीप हैं होन्सु, होकुडू, क्यूसुकू और सिकाकू। दूसरा है दक्षिण कोरिया। हरेसा तूफान ने किन दो देशों को प्रभावित किया है? जापान और दक्षिण कोरिया। पांच रफेल विमानों को किस वायु स्टेशन पर रखा गया है? कहां शामिल किया गया है? अंबाला में। कहां शामिल किया गया है? अंबाला। गोल्डन एरो में इनको कौन सा पार्ट में, वायुसेना के कौन से हिस्से में शामिल किया गया है? गोल्डन एरो में शामिल किया गया है। दो क्वेश्चन पूछा जाता है, रफेल को कौन सी टुकड़ी में शामिल किया गया है? गोल्डन एरो नाम है उसका। क्या नाम है? गोल्डन एरो। लिख देना गोल्डन, गोल्डन एरो। गोल्डन एरो बेस में शामिल किया गया है। और कौन सा स्टेशन पर शामिल किया गया है? अंबाला में। अंबाला में भाई। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना कहाँ लगाई गई है? भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय में लगाई गई है। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना कहाँ लगाई गई है बच्चों? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और सीएम कौन है? कॉनराड संगमा है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। अभी इन पर अतिरिक्त प्रभार है सत्यपाल मलिक पर। 21 जून 1972 को मेघालय का स्थापना हुआ। 21 जून 1972 मेघालय की स्थापना हुई। और लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा 60 सीटें हैं। भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत इन दिनों में बढ़ गया है? भारत का रक्षा निर्यात इन दिनों 700% बढ़ गया है। इन दिनों भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 700%। 700% निर्यात बढ़ गया है बच्चों। 700%, ठीक है, 700% निर्यात बढ़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने ये करवा दिया था, इससे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो? करवा दी 12 की, कल करवा दी, 12 की भी करवा दी, 11 करवा दिया है, 12 भी करवा दिया है। 12 शायद ऑनलाइन करवा दिया है, एक बार देख लेना। हाँ वहीं से चेक कर लेना। मैं अपडेटेड चाह रहा हूँ कि 14 का 14 डेली की डेली होता रहे। मतलब 14 तारीख तक का करंट हो जाएगा तो हम डेली फिर आगे बढ़ते रहेंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। 7-8-10 क्वेश्चन होंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आप फटाफट से एक बार देख लें इसको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। हैरिसा तूफान ने किन दो देशों को प्रभावित किया है? जापान और दक्षिण कोरिया को। पांचवा रफेल विमान किस वायु स्टेशन में, पांच रफेल विमान किस वायु स्टेशन में रखा गया? अंबाला। गोल्डन एरो बेस में रखे गए हैं। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग के मेघालय के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई। लोकसभा कितना है? 2। राज्यसभा कितना है? 1। और विधानसभा कितना है? 60।
भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ गया है? 700%। भारत का रक्षा निर्यात कितने परसेंट बढ़ गया है? 700% बढ़ गया है, 700%। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने डिजिटल करेंसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरू की है एक योजना, डिजिटल करेंसी टेस्टिंग शुरू किया है, डिजिटल करेंसी टेस्टिंग शुरू किया है मास्टर कार्ड ने। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या था? दूसरे क्वेश्चन का आंसर जापान और हेरिसा तूफान, हेरिसा तूफान जापान और दक्षिण कोरिया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्या था? गोल्डन एरो अंबाला, गोल्डन एरो अंबाला। पहले का क्या था? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहले क्वेश्चन का मास्टर कार्ड, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? जापान और दक्षिण कोरिया। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? अंबाला, अंबाला, अंबाला गोल्डन एरो। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या था? मेघालय, मेघालय कॉनराड संगमा, मेघालय के सीएम कौन है? कॉनराड संगमा। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या था? 700। निर्यात हमने कितने प्रतिशत, रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत जो है बढ़ाया है? 700%। आगे लिखेंगे, आगे लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ASCI के नए अध्यक्ष, ASCI के नए अध्यक्ष, ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सुभाष कामत, सुभाष कामत। ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सुभाष कामत, सुभाष कामत। ASCI है क्या? दरअसल ASCI क्या है? एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, द एडवर्टाइजमेंट, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। द एडवर्टाइजमेंट, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सुभाष कामत बने हैं। सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ, सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ, सिटी बैंक, सिटी बैंक की, सिटी ग्रुप की, सिटी ग्रुप लिखो, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बना है बताओ? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बन गई हैं? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है जैन फ्रेजर, जैन फ्रेजर, जैन फ्रेजर बनी है। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ है, इसलिए क्वेश्चन विशेष बन जाता है। पहली महिला सीईओ कौन बनी है?